नई सुधा प्रेजेंट्स खुल्फाए राशिदीन के दिलचस्प वाकयात। एक शख्स जिहाद से वापस आया। उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ औरतों की तरफ से कोई कराबतदारी थी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर थे। चुनाचे जब वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसका इस्तकबाल किया और फरमाया, खुश आमदीद, सही सलामत घर वापस आ गए और गनीमत का माल भी साथ लाए हैं और गनीमत भी हासिल कर ली। हाँ बताओ किस काम से आए हो। उस आदमी ने दरियाफ्त किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तमाम लोगों में कौन सा शख्स सबसे ज्यादा महबूब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मेरे पीछे बैठी हैं, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उस शख्स ने सर हिलाते हुए कहा, मेरी मुराद औरतों में से नहीं है बल्कि मैं मर्दों में से पूछना चाहता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके वालिद यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अल मतालिबुल आलिया।